हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएट 2024 के फॉर्म फिलिंग में जो मेजर डाउट्स आ रहे हैं उनके बारे में। तो मैंने डायरेक्टली जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे उसको लेकर के NBEMS में कॉल किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मेरा ओवर टेलीफोन बात हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड किया। तो इस रिकॉर्डिंग को हम लोग सुन लेते हैं ताकि आपके जो मेजर डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। Please wait while we connect your call. Please wait. Your current waiting position in the queue is 1. Hello. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Good morning. My name is Dr. Pushpendra. Yes, sir. बेसिकली ये जो आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर आया है जीपैट का, इसमें सिलेबस के रिगार्डिंग लिखा हुआ है द बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म कोर्स रेगुलेशन 2024, राइट? बट ये 2024 में तो कोई भी कोर्स रेगुलेशन आया नहीं है, 2014 में आया था। तो मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन होना चाहिए। सॉरी फॉर दैट, बट एक काम कर दीजिए सर, ये जो आपने कॉल लगाया ना वो हेल्पलाइन नंबर या टेक्निकल इशू के लिए। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो कोई टेक्निकल इशू आता है ना, तो हम आपको हेल्प करते हैं। अगर सिलेबस के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आपको डायरेक्ट टिकट रेज करना पड़ेगा वेब पोर्टल से, या डायरेक्ट एक बार टिकट रेज कर दीजिए, वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। ओके सर, ओके। तो फॉर्म फिल, ठीक है समझ गया मैं। फॉर्म फिलिंग से रिगार्डिंग भी ना मेरे को कुछ डाउट्स है दो तीन। पहला डाउट ये है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो लिखा हुआ है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और आधार कार्ड, ये पांच चीज लिखा है। जब फॉर्म फिल करते हैं तो चार ही चीज आता है, आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आता है। नहीं, आधार कार्ड का ऑप्शन दिया ही नहीं आपको, उनमें से पैन कार्ड, वोटर आईडी, वो पासपोर्ट और लाइसेंस, उसके बारे में एक कौन सा भी फिल करना है और प्रोसीड करना है। और उसमें से चारों फिल नहीं करना? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मान लो उसमें से कोई भी नहीं रहेगा स्टूडेंट्स के पास तो वो कैसा करेगा? अगर उनके पास नहीं रहेगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने चार ही एप्लीकेशन मतलब वो दिया है, उनमें से एक तो भी फिल करना है। ओके ओके सर, गॉट इट। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि इसमें जब फॉर्म फिल करते हैं ना तो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा किए हैं वो लोग सीधा सेकंड ईयर बी फॉर्म में जाते हैं, और जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का मार्क्स डालना है सर। उनका तो फर्स्ट ईयर का मार्क्स होता ही नहीं है जो लेटरल एंट्री है, तो वहां पर उन लोग को क्या डालना है? आप जीपैट का फॉर्म भरते हो तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप NBEMS में लॉगिन करना। उसके बाद फिर अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, इस हेल्प डेस्क में आप क्लिक करना। क्लिक करोगे तो क्लिक हियर टू रेज क्वेरी टिकट आएगा, इसमें क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करोगे तो प्रॉब्लम कैटेगरी में जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा वेट कर लेना ना। हाँ, ये अपडेट होकर के आ गया। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या जो भी रिलेटेड क्वेरी है वो कर लेना, एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड क्वेरी है उसको क्लिक कर दो। उसके बाद फिर आपको क्या दिक्कत है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेरी है ना, क्योंकि आपको बी फॉर्म का मार्कशीट वगैरह के लिए कैसे करना है, मतलब जो लेटरल एंट्री वाले हैं उनको क्या करना है। अपना प्रॉब्लम अपना यहाँ पर लिख देना कि क्या इशू है, कि आपने डिप्लोमा किया है, आपका बी फॉर्म फर्स्ट ईयर मैंडेटरी मांग रहा है, तो आपको क्या करना है। उसके बाद उससे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर आप अपलोड कर देना फाइल चूज करके, और उसके बाद फिर सबमिट कर देना, तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। यदि आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है तब भी ये चीज़ पूछ लेना, क्योंकि आपको 11 से लेकर के 14 मई के बीच में जब एडिट विंडो खुलेगा तो उसको करेक्ट कर लेना जो भी गड़बड़ है, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा चीज से अपने जो क्वेरी है उसको कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन इज दैट, इसमें लिखा हुआ है कि आपका 6.16 में जो परीक्षा का केंद्र होगा सेंटर में, आपको कोई भी पेन राइटिंग पेड कुछ भी अलाउड नहीं होगा, दैट इज फाइन। तो क्या अंदर में एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर जैसे फार्मेसी में बहुत सारे केमिस्ट्री होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो अंदर में पेंसिल या फिर पेन और क्या बोलते हैं पेपर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा? तो कैसे होता है सर, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना उसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और क्या इंस्ट्रक्शन होगी, वो आप एक बार वो जब एडमिट कार्ड आएगा आपका कैंडिडेट का वो एक बार पढ़ लेना, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी उसमें। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। एप्लीकेशन में लिखा है बट जो एडमिट कार्ड आएगा ना उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है, क्या क्या करना है, क्या लेके जाना है, आपको सारी डिटेल्स। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, बाय। ओके, आपका नाम?
सकता हूँ मैं? मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र है सर। ओके सर, और कोई जानकारी चाहिए इसके अलावा? नहीं सर, इतना ही चाहिए था सर, थैंक यू, बाकी सारे तो चीजें क्लियर है। ओके सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग एनबीएमएस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। आई होप ये सारे मेजर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपका कुछ डाउट है तो हमने यहाँ पर दो वीडियो अपलोड किया हुआ इसी चैनल पे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसमें मैंने लगभग बहुत सारे आपके जो डाउट्स है उसके बारे में डिस्कशन किया है। इसी चैनल में जाओगे तो ये वाला वीडियो मिल जाएगा आपको, जीपीएट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करके, और उसके फिर फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए यहाँ पर हाउ टू फिल जीपीएट 2024 फॉर्म, ये इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है एक एक स्टेप, इवन मैंने पेमेंट भी कर दिया है, तो पेमेंट के बाद भी पेमेंट फेल वगैरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, इस वीडियो में मैंने बताया हुआ, ठीक है। इसके अलावा यदि आप जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट में जाइएगा drpkclasses.com, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना डॉक्टर पीके क्लासेस, राइट, पीके एजुकेशन पुराना वाला है, पीके क्लासेस नया वाला है। उसके बाद फिर इसमें कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो आ जाएगा, और जीपैट 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, तो ये सूर्या जीपैट 2024 है। सूर्या जीपैट 2024 का जो बैच है फ्री है सभी के लिए, तो इसमें क्लिक करके गेट दिस कोर्स फॉर फ्री कर देना, तो यहाँ पर डेली तुम लाइव क्लासेस कर सकते हो, है ना, वीकली हमारा 15-18 लाइव क्लासेस होता है, सब कुछ यहाँ पर फ्री है। उसके अलावा आप बी फार्म सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में हो, प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपके लिए हमारे पास ये ब्रह्मास जीपैट 2024-25 का बैच है, ब्रह्मास जीपैट 2026 का बैच है, यहाँ पर 4999-6999 का दिखा रहा है, और इसमें आगे जाओगे तो और आपको फर्दर डिस्काउंट लग करके मिलेगा। अभी 20% का डिस्काउंट आया हुआ है 30 अप्रैल 2024 तक, तो इसको जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो यदि आप इंटरेस्टेड हो। मीनवाइल यदि आप नाइपर का प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि जीपैट और नाइपर के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होने वाला है, तो नाइपर का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारे पास नाइपर का जो नॉन फार्मा वाला पार्ट है, क्योंकि फार्मा वाला तो आप पढ़ ही रहे हो, उसका क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का 499 का कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर आपको जीपैट वगैरह का बुक्स वगैरह चाहिए तो ये सारे ये अवेलेबल है, तो जो भी चीज परचेस करोगे वो आपको इस वेबसाइट से परचेस करना है, वेबसाइट में ही ऑफर आएगा, डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप में आपको एक्सेस मिल जाएगा सभी का, मतलब कहीं से भी परचेस करो वेबसाइट या फिर ऐप से, एक्सेस वेबसाइट और ऐप दोनों जगह मिल जाएगा, लेकिन परचेस करोगे तो जो भी डिस्काउंट आएगा आपको वेबसाइट में मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कॉल में पूछा था कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो उन्होंने बोला कि लेटर वगैरह लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो सिलेबस क्या होगा मैं बता रहा हूँ। जीपीएट 2024 का ऐसा कोई सिलेबस के रिगार्डिंग पीसीआई का कोई रेगुलेशन नहीं है, 2014 में आया है, तो वही सिलेबस होने वाला है। उसका सिलेबस क्या होगा, सूर्या बैच में जाना, ठीक है, सूर्या बैच तो आपको फ्री में मिल जाएगा, इसमें मैं कंटिन्यू करता हूं, मैंने तो ऑलरेडी इस आईडी पर ले रखा है, तो सूर्या बैच में मैं जैसे ही घुसता हूं तो यहां पर आपको ये जो है जीपैट 2010-23 जीपैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर में जाओगे तो यहाँ पर जो जीपैट सिलेबस है ना, यहाँ पर मैं और अपडेट करके सिलेबस डाल दूंगा जो 2024 के लिए, ठीक है। और जब ये सिलेबस आ रहा है तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टेटिस्टिक्स से, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी से भी आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। आई होप इस वीडियो से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।